आज का चर्चा का विषय मेरा है गोंडी भाषा और राज्यवाद की राजनीति। मेरा परिचय दे देता हूँ। पहले मेरा नाम आकाश पोयाम है। मैं फिलहाल दिल्ली में कारवैन मैगजीन में कॉपी एडिटर हूँ और साथ ही मैं आदिवासी रिसर्जेंस नाम की एक वेबसाइट है जो कि आदिवासियों को समर्पित है, उस पे न्यूज से लेके लोगों के विचार और बहुत सारी कविताएं और इतिहास से जुड़े, आदिवासियों के इतिहास से जुड़े मुद्दों पर हम लेख प्रकाशित करते हैं। तो सबसे पहले आज की जो चर्चा है, मैं उसमें चार या पांच मुख्य बातों पर बात करूंगा। पहला है मेरे खुद का अनुभव जो कि गोंडी का है, कि मैंने कब से गोंडी बोलना सीखने की कोशिश किया या फिर गोंडी भाषा के बारे में किस तरह की विचारधारा थी पहले, और फिर मैं कैसे गोंडी को समझने की कोशिश करने लगा, और फिर मैं कैसे गोंडी डिक्शनरी के जो बनने की प्रक्रिया थी उसमें मैं शामिल हुआ। उसके साथ साथ मैं इस बारे में भी बात करूंगा कि कैसे गोंडवाना महासभा जो कि आजादी के पहले थी, और फिर कोमरम भीम जो तेलंगाना के थे उनके आंदोलन और गोंडवाना महासभा के आंदोलन से, इन सब से कैसे मतलब एक गोंडवाना राज्य के डिमांड की बात आगे शुरू हुई। अंत में मैं उस बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि अभी गोंडी भाषा साहित्य कितना जरूरी है और इस भाषा के पिछले 60 सालों में नहीं होने के कारण हमारे पास अभी आज जो गोंड समाज है या आज कोयतुर समाज है वो कम से कम 7 या 8 राज्यों में बटा हुआ है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ अपने खुद के अनुभव से। अगर आप सुन रहे होंगे तो प्लीज कमेंट करें ताकि मैं अपनी चर्चा आगे जारी कर सकूं। कुछ साथी हैं जो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो नेटिव प्लेस है, जो मेरा घर है, वो है सरगुजा। अस्वाइल पहले जिसको सरगुजा बोला जाता था, ये छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर के झारखंड के बॉर्डर में पड़ता है। मैं अभी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, जहाँ पे मेरा गांव अंबिकापुर से कुछ 30-40 किलोमीटर के दूर पर है। तो जो ये जो क्षेत्र था सरगुजा का क्षेत्र पहले 1905 के पहले ये रक्सेल राजा लोग के अंडर में था। उसके पहले भी 20वीं सदी और 19वीं सदी में भी वहां पे अंग्रेजों के शासनकाल के बाद रक्सेल राजा जो कि बिहार से आए थे उनको वहां पे राजपाट दिया गया था। इसके पहले जो बोलेंगे वहां पे जो किंगडम्स थे, वहां पे जो राजा थे या कबीले थे वो सारे आदिवासी समाजों के थे, जिसमें कि गोंड थे, उराव थे, कंवर थे, बैगा थे, है ना। तो रक्सेल राजा लोग के आने के बाद, रक्सेल राजा जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जो लड़ाई हुई एंग्लो मराठा लड़ाई, उसके बाद अंग्रेजों ने रक्सेल राजाओं को उस क्षेत्र में स्थापित कर दिया। अब रक्सेल राजा जो बिहार से थे वो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए, जिसमें कि एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो था आ, आ, बोलना चाहिए रिलीजियस बदलाव, जो कि धार्मिक बदलाव। उन्होंने यहाँ पे जो देवी देवता थे उनके नाम चेंज कर दिए, जगहों के नाम चेंज कर दिए। तो
इस तरह की बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण अब आप देखेंगे तो आज की स्थिति में आज वो क्षेत्र पूरी तरह से एक हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्र हो गया है, जहाँ पे लोग गोंडी जानते ही नहीं है। तो उसी माहौल में पलने बढ़ने के बाद मैंने भी बचपन में कभी गोंडी नहीं सीखी। और अगर हम अभी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत लोग गोंडी बोल पाते हैं, तो वो महज 30% लोग हैं जो पूरे समाज में हम गोंडी बोल पाते हैं, जिसमें कि ये लैंग्वेज डिफिशियंसी बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं इसको, जो कि एक अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक रिसर्च पेपर में देखा था। तो अगर देखा जाए तो जयपाल मुंडा जब भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट भारतीय संविधान की जो निर्माण के समय जो चर्चा हो रही थी, उसमें जयपाल मुंडा बात करते हैं कि कैसे मुंडा, कुड़ुक और गोंडी जैसे भाषाओं को उनको मान्यता दी जानी चाहिए। तो उनमें उस चर्चा के समय जो जो वो स्टैटिस्टिक्स देते हैं, जो वो नंबर्स देते हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ सेंट्रल प्रोविंस में 30 लाख गोंडी बोलने वाले लोग हैं। तो आप एक तरीके से देखेंगे तो वो नंबर बढ़ता नहीं है, वो ज्यादा उसमें थोड़ा बहुत भले बदलाव आया हो। अब उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि आजादी के बाद गोंडी को मान्यता नहीं मिली, कुड़ुक को भी मान्यता नहीं मिली, बहुत सारे ज्यादातर आदिवासी भाषाओं को मान्यता नहीं मिली। तो जैसे कि मैं बता रहा था अपने गांव के बारे में, तो मेरा पहली बार मेरी जब मेरा जो एहसास हुआ कि ये गोंडी भाषा के बारे में, वो था जब मैं अपने जिले के बाहर गया। मतलब स्थिति ऐसी कि वहां पे अभी हम जो भाषा बोलते हैं वो एक सरगुजिया डायलेक्ट है। वो सरगुजिया डायलेक्ट बहुत सारी आदिवासी भाषाओं और छत्तीसगढ़िया का मिक्सचर है, जिसमें कि गोंडी के शब्द होते हैं, कुड़ुक के शब्द होते हैं, सादरी के शब्द होते हैं और छत्तीसगढ़िया के शब्द होते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत हमारी सरगुजिया में बहुत सारे गोंडी शब्द यूज होते थे, जिनके बारे में मुझे कभी पता नहीं था कि ये गोंडी शब्द हैं। तो मेरी जो दादी हैं उनका नाम जंगू राय जंगू था, जंगू भाई। और मुझे बाद में जब पता चला पढ़ने के बाद और बुजुर्गों से जानने के बाद कि जंगो नाम जंगो रायतार से आता है, जो कि अदलाबाद की थी और उन्होंने बहुत ही कोयतूर समाज में क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। तो मुझे बहुत ही उसको लेके मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। और फिर मैं जब अपनी दादी के गांव जाता था तो मेरी दादी का नाम था गांव का नाम था मरकाडांड। अब मुझे इस बारे में भी नहीं पता था कि मरका का अर्थ क्या होता है। तो जब मुझे पता चला कि मरका का मतलब आम होता है, मरका मर्रा आम होता है गोंडी में, और इसी तरीके से बहुत सारे मरका बेड़ा मरका डांड नाम के बहुत सारे गांव हमको पूरे गोंडवाना के क्षेत्र में मिलते हैं। तो यहाँ से मेरी बोलना चाहिए एक क्यूरियोसिटी जगी। यहाँ से मुझे लगा कि मुझे ये बहुत ही गलत हुआ है कि मैं इस भाषा अपनी खुद की मातृभाषा के बारे में नहीं जानता हूँ। और ये था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज में मैं जब पढ़ने के बाद जब मैं हैदराबाद विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ने आया, तो वहां पर हैदराबाद में मुझे काफी कोयतूर साथियों से मिलना का अनुभव हुआ, मैंने मिल पाया। उसके बाद मैं 2016 में मैं एक चंद्रपुर में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गोंडी की वर्कशॉप हो रही थी, गोंडी कार्यशाला हो रही थी। ये कार्यशाला 2014 से शुरू होकर 2017 तक चली। तो बेसिकली कोयतूर समाज के जो बुजुर्ग हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से सुनेर सिंह ताराम सिंह जी थे, जो कि गोंडवाना दर्शन पत्रिका के मुख्य संपादक भी रहे, तो सुनेर सिंह ताराम जी के आइडिया के को आगे लेते हुए ये विचार किया गया कि
जो गोंडी भाषा है वो किस तरीके से उथल फुथल हो चुकी है, जो कि जिसको कि एकजुट करने की जरूरत है। और इसके बाद से फिर ये इस बारे में ये फैसला लिया गया कि गोंडी डिक्शनरी के लिए आगे काम किया जाएगा। तो मैं जब वर्कशॉप के लिए गया चंद्रपुर, तो वहां पे मुझे, मैं वॉलंटियर के तौर पर वहां पे महाराष्ट्र की टीम के साथ मदद कर रहा था। तो मैं थोड़ा डिक्शनरी के बारे में, प्रोसेस के बारे में भी बताना चाहूंगा कि जो जो गोंडी डिक्शनरी बन रही थी उसमें उसमें मुख्य उसका उद्देश्य ये था कि हम एक रूट वर्ड को खोज सके। जैसा कि हम जानते हैं कि गोंडी एक प्रोटो द्रविड़ियन भाषा है, जो कि मतलब जो द्रविड़न भाषाएं हैं, जैसे तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, इनसे भी पुरानी भाषा है। तो इस प्रोटो द्रविड़ियन भाषा के जो बहुत सारे जो मूल रूप हैं वो समय के साथ या फिर दूसरे भाषाओं के इन्फ्लुएंस के कारण, उनके प्रभाव के कारण, और भी, और बोलना चाहिए भारतीय, भारत सरकार के द्वारा उसको कभी मान्यता न दिए जाने के कारण वो उथल फुथल हो गए। तो जब इस गोंडी डिक्शनरी के बारे, जब जिस गोंडी डिक्शनरी वर्कशॉप में कार्य शुरू हुआ, तो वहां पे एक टीम में, जैसे महाराष्ट्र की टीम में 5 से 6 लोग बैठते और फिर वो एक शब्द पे चर्चा करते। और ये शब्द मार्क पेनी नाम के एक लिंग्विस्ट हैं, एक जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, जिन्होंने गोंडी डिक्शनरी विकसित की थी 1980 के समय में, उसको हमने आधार माना। और उसके हर एक शब्द को फिर हमने अलग अलग क्षेत्र में क्या बोला जाता है, अलग अलग उसको हम लोगों ने एक एक्सेल शीट में नोट डाउन किया। इस तरीके से ये प्रक्रिया 2014 से 2017 तक चली। मैं उसमें सिर्फ एक में ही शामिल हो पाया था, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जब डिक्शनरी खत्म हुई तो आज हम गर्व के साथ बोल सकते हैं कि हमारे पास हमारी खुद की एक कंपाइल्ड डिक्शनरी है, जिसमें कि हर क्षेत्र में एक शब्द का कितने अलग अलग रूप में वो बोली जाती है, उसका उसमें विवरण है। तो अब इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि जो गोंडी भाषा का जो बोलना चाहिए, जो जब ये प्रोटो द्रविड़ियन भाषा है, जब ये इतनी पुरानी भाषा है, और जैसा कि हमारे हमारे ओरल लिटरेचर में, हमारे मौखिक कहानियों में बताया जाता है कि लिंगों ने पहाड़ी पारिकुपार लिंगों ने गोंडी भाषा का खोज की थी, उसको उन्होंने विकसित किया था, उसको बताया था। तो फिर हम देखते हैं कि एक भाषा जिस इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गई है कि वह मतलब 70% जो हमारे, 70% हमारे जो आबादी है वो गोंडी स्पीकर के तौर पे गिनी नहीं जाती है। तो इसमें सबसे पहले देखने की जरूरत है कि जब जब आप देखेंगे कि जो गोंड साम्राज्य थे, तो गोंड साम्राज्य काल में जो जो भी राजपाट हुआ करते थे वो गोंडी भाषा में हुआ करते थे। जैसा कि उषा किरण आतराम, जो लेखिका उषा किरण आतराम जी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि कैसे जो चंद्रपुर के जो राजा थे उनका राजपाट गोंडी भाषा में हुआ करता था। तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब हम मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के समय की बात करते हैं, तो 1800 के बाद में गोंडी भाषा को लेके थोड़ी थोड़ी जागरूकता बढ़ने लगी थी। उसमें सबसे पहले बात करेंगे तो आएगा गोंडवाना महासभा का फाउंडेशन, सबसे पहले जो कि 1916 में हुआ। तो गोंडवाना महासभा जब फॉर्म जब का जब गठन हुआ, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि मतलब जो भी गोंड है, और मैं यहाँ पे जब गोंड शब्द यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब मेरा बोलने का मतलब कोयतूर है, तो मैं कोयतूर और गोंड को साथ साथ ही यूज करूंगा। उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं।
तो जो गोंडी भाषा जो कोइतूर जो लोग थे उनको एकजुट करने के लिए गोंडवाना महासभा का गठन हुआ। गोंडवाना महासभा के गठन के बाद उनके बहुत सारे अधिवेशन हुए 1945 तक। इस बीच इन अधिवेशनों में गोंडी धर्म को लेके, गोंडी भाषा को लेके, कोइतूर समाज के बाकी जो रीति रिवाज हैं, जो उनके हिंदू धर्म कोड बिल था जो उसके बारे में, और बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत ही गहरी रूप से चर्चा हुई। तो इसमें एक 1900, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रहा है, 1930 या 1935 के एक अधिवेशन में ये बोला गया था कि गोंडी भाषा को हमें बढ़ावा देना है। और अभी अगर आप देखेंगे तो उसी आसपास 1928 में जो 1928 में जो मुंशी राम जी थे, मुंशी राम उनका नाम एक बार, मुंशी मंगल सिंह मसराम, जो कि 1928 में उन्होंने एक मसराम स्क्रिप्ट की खोज की थी। अब जो मुंशी मसराम थे वो 1920 के समय से ही मतलब गोंडी भाषा को विकसित करने के लिए लगे हुए थे। तो उसके बाद जो मुंशी मसराम जी ने एक गोंडी ग्रामर को लेके किताबें भी लिखी थी, जिसको कि बाद में उनके बेटे ने 4 भागों में आदिवासी गोंडी लिपि बोध के नाम से 1957 में उन्होंने प्रकाशित किया। तो उसके बाद आप देखेंगे तो 1931 में भी फिर गोंडी पुनेम सम्मेलन होता है, जिसमें कि बोला जाता है कि कोया कोया हमारी मातृभाषा है, अगर हम इसे खो देंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। तो ये इस तरीके की बातें चल रही थी। अब हम देखते हैं कि इसके इसके बाद 1945 के 1945 में जो चंद्रपुर के राजा थे, चंद्रपुर के राजा जिनका नाम था राजे धर्मराव आतराम, अहेरी के जो जमींदार थे, उन्होंने 1945 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली थी, जो कि भाषा से जुड़ी नहीं है लेकिन ये हमें राज्यवाद को समझने में मदद करती है। उन्होंने कहा था कि इस गोंडवाना गोंड महासभा का फिलहाल राजनीति से संबंध नहीं है, सरकार को इस महासभा से भय खाने की आवश्यकता नहीं, हम अपने समाज को बढ़ाने में, उसकी सेवा करने में, उसका अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसकी सुरक्षा करने में विश्वास रखते हैं। उसके आगे वो बोलते हैं कि क्योंकि आज हमारा समाज ईसाई हिंदू मुस्लिमों के चंगुल में फंसा हुआ है, कल अगर भारत स्वतंत्र भी हुआ तो केवल ईसाई यहाँ से चले जाएंगे, परंतु हमारी संस्कृति सभ्यता जायदाद हड़पने वाले हिंदू यही रहने वाले हैं और वे हमें लूटते ही जाएंगे, फिर इस देश की स्वतंत्रता से हमें क्या लाभ होने वाला है। तो इस तरह की चर्चा गोंडवाना महासभा में हो रही थी। अब आप देखेंगे तो ये 1930 में 1928 में गोंडी ग्रामर का किताब प्रकाशित होता है, 1931 में गोंडवाना महासभा के सम्मेलन में गोंडी भाषा को बढ़ावा देने की बात हो रही है, फिर आप देखते हैं तो उसी 1940 के दशक में अदिलाबाद में कुमरम भीम के लीडरशिप में एक आंदोलन चलता है निजाम के खिलाफ, जिसमें कि कुमरम भीम गोंडवाना राज्य की भी मांग करते हैं। तो कुमरम भीम जैसा कि आप जानते हैं कि वो कोइतूर लीडर थे जिन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया था, और उन्होंने गोंडवाना राज्य की भी उस समय मांग की थी। अब आजादी के बाद अगर हम देखते हैं तो इस बारे में अभी और रिसर्च करने की जरूरत है, अभी और शोध करने की जरूरत है, लेकिन 1956 में जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन होता है, जिसमें कि विभिन्न राज्यों को भाषा के बेसिस पे बांटा जाता है, तो उसमें गोंडी
गोंडवाना राज्य की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस 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 इवेंट को, इस ये जो घटना है, इसको बहुत ही सीरियसली देखने की जरूरत है, क्योंकि इसी समय में झारखंड राज्य की डिमांड को भी 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रिजेक्ट किया था। अब कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जैसे गोंडवाना राज्य को इसलिए लिंग्विस्टिक दर्जा नहीं दिया गया, या लिंग्विस्टिक स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो कि भाषाई तौर पर राज्यों का बंटवारा कर रही थी, उन्होंने गोंडी भाषा को मान्यता इसलिए नहीं दी क्योंकि गोंडी एकजुट भाषा नहीं थी, उन्होंने बोला। उसी तरीके से अगर देखेंगे तो आज वेस्टर्न इंडिया में जो भीलिस्तान की मांग हो रही है, जो भील समाज, भील आदिवासी समाज के लोग जो भीलिस्तान की मांग कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे गोंड आज 7 से 8 राज्यों में बटे हुए हैं, भील भी 4 से 5 राज्यों में बटे हुए हैं। तो जब ये 1956 में जब ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब ये बंटवारा कर रही थी, तो उस समय गोंड भील जो कि इस देश के 2 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, और साथ ही फिर झारखंड का डिमांड जिसके कि पहले से ही जयपाल मुंडा और झारखंड के कई आदिवासी नेता इसका डिमांड कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि आदिवासियों के साथ पूरी तरह से यहाँ पे छल हुआ। अब इसमें हमको ये समझने की जरूरत है कि ये बहुत ही भारतीय राज्य की, ये भारत सरकार की नहीं बट भारतीय राज्य की, ये बहुत ही ब्राह्मणवादी मानसिकता के कारण हुआ। उसमें ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में ऐसी ऐसी भाषाएं जैसे कि संस्कृत उसमें जुड़ी हुई है। संस्कृत बोलने वाले वाले लोगों की संख्या महज कुछ 20 या 30 हजार है इस देश में, और गोंडी बोलने वालों की संख्या 30 लाख है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि संस्कृत को 8th शेड्यूल में रिकॉग्निशन मिलता है। तो यहाँ पर हमको आजादी के बाद अगर भाषा का दर्जा नहीं मिला, जैसा कि जयपाल सिंह मुंडा बोलते हैं, तो उससे हमको क्या नुकसान हुआ? वो जयपाल मुंडा खुद असेंबली में वो बोलते हैं, जयपाल मुंडा बोलते हैं कि मैं, मतलब वो इस रूप में डिस्कशन में बात करना चाह रहे हैं कि जब वो बोल रहे हैं कि इन भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, तो इसका जरूरी अर्थ ये नहीं है कि वो अलग टेरिटरी की मांग कर रहे हैं या अलग प्रोविंस की मांग कर रहे हैं या अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, मतलब राज्य नहीं लेकिन अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, वो ऐसा मतलब वहां पे बोलते हैं। तो निश्चित रूप से जो संविधान के बनने के समय और जब राज्यों का जब पुनर्गठन हो रहा था, उस समय पूरी तरीके से जो गोंडी भाषी और भीली भाषी और जो संथाली बोलने वाले, मुंडा बोलने वाले, बहुत सारे ऐसे भाषाओं को पूरी तरीके से दरनिकार किया गया। तो अगर इस बात को लेके हम सोचते हैं कि अगर 1956 में अगर गोंडी भाषा को मान्यता मिली होती या भीली भाषा को मान्यता मिली होती, तो ना ही सिर्फ ये एक हमारे गोंडवाना स्टेट डिमांड जो कि कुमरम भीम से स्टार्ट होके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तक चलता है और अभी भी चल रहा है, बल्कि गोंडी भाषा को विकसित होने में अभी तक हमको मतलब बहुत मदद मिली होती। तो गोंडी भाषा का जो बोलेंगे कनेक्शन है वो राज्यवाद के साथ या स्टेटहुड के साथ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि जैसे कि एक समाजशास्त्री हैं गेल ओम्बे, वो बताती हैं कि कैसे, जैसे कि मराठी, बंगाली, उड़िया, ये एक सब नेशनैलिटीज हैं, मतलब ये देश के अंदर एक सब नेशन है, एक छोटा उसका रूप है, जैसे कि आप उनको एक राज्य के रूप में एक उनका मतलब पहचान है, उनकी पहचान है,
वैसा जो गोंड भील जैसे बड़े समुदाय हैं उनको सब नेशनैलिटी का दर्जा मिलना चाहिए। तो गेल ओम्वेट बिल्कुल सही बोलती हैं कि आखिर मतलब भले भले भारत सरकार ने इन बहुत सारे समुदायों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया है, लेकिन हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि ये सब नेशनैलिटीज हैं, ये सिर्फ ट्राइब्स नहीं है जो कि एक छोटे रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हैं। बट अगर हम लोग जैसे गोंडवाना क्षेत्र की बात करेंगे तो कोयतुर समाज आज 7 से 8 राज्यों में बटा हुआ है। अब इसको अगर हम अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो पंचमढ़ी से लेके मध्य प्रदेश के आधा मध्य प्रदेश से इधर ईस्ट तरफ पूर्व की ओर जाएंगे पूरा छत्तीसगढ़, और ऊपर आपका यूपी में भी सोनभद्र, फिर झारखंड में, और फिर नीचे उड़ीसा मलकनगिरी से लेके नीचे भद्राचलम से लेके वेस्ट गोदावरी तक, और फिर अदलाबाद में, फिर महाराष्ट्र में, तो इतने सारे राज्यों में कोयतुर प्रेजेंट है, कोयतुर रह रहे हैं। लेकिन उनकी पहचान कैसे गोंडी भाषा और भारत में जो राज्यों का जो एक बोलना चाहिए राजनीति हुई है उससे कैसे राज्यों की राजनीति के कारण कैसे उसमें बदलाव आए हैं, तो हम देखेंगे कि स्टेट डिमांड की चर्चा 1956 के बाद 1956 के बाद बहुत ही मतलब फोकस्ड रूप से देखेंगे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1992 से शुरू की, लेकिन उसमें भी एक कमी थी कि जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी थी वो ऑलरेडी उसको एक बोलना चाहिए कंसोलिडेटेड रूप में या एकत्र रूप में उसको इमेजिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आज जो कोयतुर समाज है वो अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में भी जाना जा रहा है। जैसे यहाँ हमको गोंड बोलते हैं, वहीं आंध्रा और तेलंगाना में वो कोया हो जाते हैं, बस्तर के कई क्षेत्रों में माडिया हो जाते हैं, मुरिया हो जाते हैं, और इस तरीके से अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो इसका भी एक बोलना चाहिए कॉलोनियल या उपनिवेशवादी इतिहास रहा है, जैसा कि जो मानव शास्त्री थे, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जैसे वेरियर एल्विन हो गए या हेमेंडॉफ हो गए जिन्होंने गोंड समाज के ऊपर किताबें लिखी, या फिर जो उच्च जाति के भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जैसे K.S. सिंह, इन्होंने कोयतुर समुदाय के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उनको अलग अलग नाम से उनको आइडेंटिफाई किया, और इसी तो पीपल ऑफ इंडिया बोल के एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बुक प्रकाशित की जिसमें कि इन अलग अलग नामों से लोगों को डिवाइड किया गया था। तो आप देखेंगे कि उसमें कितने गलत रूप से, क्योंकि तो एक समुदाय है उसको इतने अलग अलग उसको मतलब एक प्लूरलिस्टिक एक ऐसा समाज जिसमें कि विभिन्नताएं हैं ऐसा न सोचते हुए उसको अलग अलग नामों से बांट दिया गया। तो जब आजादी के बाद जब आप देखते हैं तो जो सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, उस जनगणना में भी इनको फिर अलग अलग नाम से दर्ज किया जाता है। तो गोंडी भाषा के जो डिक्शनरी का जो प्रक्रिया था उससे वो मतलब अभी के जो गोंडवाना आंदोलन में बहुत वो बहुत ही महत्वपूर्ण उसका रोल था, क्योंकि उसने पहली बार गोंडी भाषा को एक जगह लाया है। अभी जैसे आप देखते हैं तो गोंडवाना स्टेट डिमांड को लेके मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ से लेके, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे में भी जो झंडा लगा हुआ है वो गोंडवाना का झंडा है, जो कि अभी जो गोंडवाना स्टेट डिमांड को लेके भी जहां जहां पे बातें हो रही हैं तो ये झंडा फहराया जाता है उसको हमारा एक पहचान मानते हुए। अब मैं
मैं थोड़ा इस बारे में भी बात करना चाहूंगा कि कैसे अभी ये जो बोलना चाहिए जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, उससे कैसे बदलाव है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि मेरे क्षेत्र में गोंडी का बहुत ही टूटा फूटा रूप अभी बोला जाता है। अब आप देखेंगे तो 1947 के बाद जब गोंडी भाषा को मान्यता नहीं दी जाती है, और फिर 1956 में जब गोंडवाना राज्य को गोंडी भाषा न होने के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके साथ ही गोंडी भाषा में फिर पढ़ाई और उसपे उसको विकसित करने का कोई मतलब कोई कोई चांस ही नहीं बचता है। और फिर आप देखेंगे तो जिस तरीके से भारत में ब्राह्मणवादी प्रकोप जैसा आदिवासी क्षेत्रों में आया है, उसी तरीके से हिंदीवादी मतलब भी बहुत हिंदी हिंदी शाउनिज्म जिसको हम बोलते हैं, कि हिंदी का बहुत ही जबरदस्त लोगों पे लादना, तो वो हुआ है। तो 1947 के बाद हम देखते हैं कि हिंदी को सारे आदिवासी क्षेत्रों में, हिंदुइज्म को सारे आदिवासी क्षेत्रों में थोपा गया। अब हिंदी को थोपने के कारण 1947 से अब तक हमको सिर्फ हिंदी में किताबें मिली। आज जब हम देखते हैं तो जो 70% जिनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कि इस रिसर्च के अनुसार जो गोंडी नहीं बोलते हैं, वो किस लिए गोंडी नहीं बोलते, ये उसको एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे भारतीय राज्य की जो पॉलिसी रही है, वो पॉलिसी हमारी हमारी जो मातृभाषा है गोंडी, उसमें नहीं देने की रही है। और उसका अंजाम ये हुआ है कि मतलब 60 सालों के बाद 2014 में समाज को खुद को पहल करनी पड़ी गोंडी भाषा को एकजुट करने के लिए, गोंडी भाषा को आगे ले जाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जैसा कि भारत की जो शिक्षा की पॉलिसी थी, जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें कहीं पे भी आदिवासी भाषाओं को लेकर उतना कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। तो आप देखेंगे चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर थे, या फिर जो आरएसएस के द्वारा खोले गए और सारे स्कूल थे, या भारत की जो सरकारी स्कूल थे, वहां पे पूरे हिंदी में हमें पढ़ाई कराई गई। लेकिन ये बात सिर्फ हिंदी राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, जो कि बिना मतलब हिंदी भाषा के नाम से बना था, वहां पे ही ऐसा नहीं था। हिंदी भाषा को लेके बहुत सारे और जो क्षेत्रीय भाषाएं, उन्होंने भी लोगों की भाषा को मतलब प्रभावित किया। जैसे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में मराठी ने, या फिर तेलंगाना में तेलुगु ने, उड़ीसा में उड़िया ने। अब जो जो भारत के सरकार की पॉलिसी थी, या फिर वो राज्यों की पॉलिसी थी, वो ये थी कि वो अपनी भाषा को थोपना। अब वो चाहे भारत सरकार अपने तरफ से हिंदी भाषा थोप रही थी, और इधर से जो अलग अलग राज्य हैं जहाँ पे कोयतुर रह रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, वहां पे क्षेत्रीय भाषाएं भी आदिवासियों पे थोपी जा रही थी। तो मुझे अच्छी तरह एक घटना याद है, मैं 2016 में जब हैदराबाद में पढ़ रहा था, तो वहां पे कुमरम भीम स्टडी सर्कल बोल के एक हॉस्टल जैसा है जहाँ पे आदिवासी छात्र पढ़ते हैं, वहां पे गया हुआ था। तो हम वहाँ एक स्टूडेंट से मिले जो कि भद्राचलम से आए हुए थे, वो वहाँ पे कुछ कोचिंग के लिए आए हुए थे, और उनको कोया गोनी के अलावा कोई भाषा नहीं आती थी। तो उनको उसके बाद फिर मेरे एक और साथी थे जो भद्राचलम से थे, उन्होंने मुझे एक बार एक अपने अपने बारे में बताया था कि जब वो स्कूल गए थे पढ़ने पहली बार, तो उन्हें बहुत पिटाई की गई क्योंकि वो तेलुगु नहीं बोल पाते थे, वो उनको सिर्फ कोया या गोंडी बोलने आती थी। तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ
हिंदी का ही मसला नहीं है, ये मसला है कि कोइतुर समाज को आखिर क्यों इतने राज्यों में बांटा गया। और अगर बांटा गया तो इसके पहले, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बोलना चाहिए सोची समझी राजनीति है, क्योंकि जो गोंडवाना क्षेत्र है वो बहुत ही मतलब संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बस्तर क्षेत्र है जहाँ पे इतने संसाधन है, वहां पे आज इतनी हिंसा है, वो हिंसा का कारण संसाधन है। और अगर आप देखते हैं कि अगर जो पहले सेंट्रल प्रोविंस और बरार हुआ करता था, जो गोंडवाना का क्षेत्र था, अगर भारतीय अगर 1956 में गोंडवाना राज्य को मान्यता मिल गई होती और भिलिस्तान राज्य को मान्यता मिल गई होती, तो आज भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार या अन्य राज्य सरकारें जो संसाधनों का दोहन या आदिवासियों को विस्थापित कर पा रही हैं, वो शायद उस हद तक नहीं कर पाती। तो मैं जैसे शिक्षा पॉलिसी की बात कर रहा था, तो जो भारतीय शिक्षा पॉलिसी जो थी वो हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को थोपने की थी। तो आप देखेंगे कि 60 सालों तक जो कोइतुर समाज है उनके बच्चों को, उनके बच्चों को बिल्कुल भी अपनी मातृभाषा से दूर रखा गया। जिनके क्षेत्र में गोंडी भाषा बची हुई थी, जैसे कि बस्तर के क्षेत्र हैं या तेलंगाना और आंध्रा के कुछ क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पे उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में जहाँ पे भाषा बची हुई है, लेकिन मुख्य तौर पर स्कूलों में या पाठ्यक्रम में उसको कभी भी लाया नहीं गया। तो इसके कारण अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मतलब वही समाज के रूप से पहल हो रहा है। अब इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है कि जो स्टेट डिमांड है वो सिर्फ मतलब बोलना चाहिए भाषा के रूप में होना है बोल के अगर बोला जा रहा था तो वो गलत था, क्योंकि जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन जब हुआ तो मध्य प्रदेश में कोई भाषा नहीं है, मध्य प्रदेश की कोई बोलना चाहिए कोई राज्य की भाषा नहीं है। वहां पे भीली भी बोली जाती है, गोंडी बोली जाती है, वहां पे बुंदेलखंडी, बहुत सारी भाषाएं वहां पे बोली जाती है। तो आप देखेंगे कि ये महज एक बहाना था। अब उसके बाद भी आप देखेंगे तो जब जिस जिसके बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है लोगों को, वो है छत्तीसगढ़ राज्य। हम देखेंगे कि जब 2000 में जब झारखंड को राज्य की मान्यता मिली, तो जो जैसा कि अखबारों में और मतलब चर्चाओं में ये बोला जा रहा था कि छत्तीसगढ़ भी एक आदिवासी राज्य है, लेकिन आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे तो 1910 1920 के समय से ही कांग्रेस इस क्षेत्र को बांटने के लिए मतलब शुरू से उसमें उनका इंटरेस्ट था। तो आप देखेंगे कि 1990 के दशक में भी कांग्रेस और भाजपा बीजेपी दोनों ने ही छत्तीसगढ़ को अलग करने का डिमांड किया था। इसके पीछे ये कोई मकसद नहीं था कि ये आदिवासियों को मदद करेगा या नहीं। छत्तीसगढ़ का बंटवारा होना गोंडवाना राज्य के लिए एक बहुत ही बड़ा बोलना चाहिए बहुत ही बड़ी दुखद घटना थी, क्योंकि इसके कारण जो गोंडवाना राज्य का सपना था या एक जो जो विजन था जो बहुत ही सारे कोइतूर देख रहे थे, वो और भी टूट गया। तो अभी हम देखेंगे कि छोटे मतलब छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों से ये आवाजें आगे आ रही हैं, और ऐसी उम्मीद है कि मतलब जो जो गोंडवाना राज्य की जो डिमांड है, या फिर जो बोलना चाहिए न ही सिर्फ गोंडवाना राज्य की बट भिलिस्तान की भी, जैसे आप देखते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा करता है। वो इसलिए कि अगर आप गोंडवाना का क्षेत्र को देखेंगे तो अगर हम गोंडवाना जो गोंडवाना राज्य जो हुआ राज्य जो हुआ करता था मध्य काल में, जिसमें कि गोंडवाना बहुत सारे गढ़ थे,
तो वो उसको उसके पुनर्रूप में, उसके पहले वाले रूप में लाने के लिए अनेक राज्यों को समझौता करना पड़ेगा, और वो समझौता इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे जरूर ही एक राजनीतिक वो भी इससे होता है, जैसे कि राज्यों के बंट जाने से अभी आप देखेंगे तो, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जब 1990 के दशक में जब राज्य को लेके, डिमांड को लेके उन्होंने आंदोलन शुरू किया, तो वो आंदोलन काफी प्रभावित हुआ। जैसे कि छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो वहां पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काफी अच्छे से अपनी पकड़ बना रखी थी। अभी अगर आप पिछले पिछले बार के जो मध्य प्रदेश के चुनाव थे, जो राज्य के विधानसभा के जो चुनाव थे, अगर आप उसको उसमें जो परसेंटेजेस देखेंगे आप, तो जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है वो चौथे या पांचवें नंबर पे आती है, लेकिन उसका उनके पास एक भी सीट नहीं थी। उसका कारण ये था कि ये पूरी तरीके से क्षेत्रों में बटे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मतलब राजनीतिक रूप से भी ये ऐसा आदिवासियों को बांटा जा रहा है कि जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं, जो पांचवी अनुसूची एरिया हैं, वो भी और भी ज्यादा आदिवासी अलग तरीके से बिखर जाएं, ताकि जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको नॉन ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बदल दिया जाए। अब इसमें एक और बात आती है कि जो कि मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा, जो कि राज्यवाद से जुड़ी है और थोड़ी सी भाषा से भी जुड़ी है, वो है जैसे मैं सरगुजा क्षेत्र से आता हूँ, सरगुजा क्षेत्र के और नॉर्थ में जाएंगे तो सोनभद्र है। सोनभद्र में पिछले साल 10 से 15 क्वेतुर लोगों को उच्च जाति के लोगों ने दिन दहाड़े मार दिया था। अब आप उस घटना को भी अगर समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी गोंडवाना राज्य के डिमांड से जुड़ा एक मसला है, क्योंकि जो मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र है वहां पे शुरू से ही क्वेतुर समाज के लोग अपना निवास कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे जंगल साफ किया है और उन्होंने वहां पे अपने खेती बाड़ी शुरू की है। तो जब सोनभद्र क्षेत्र पहले जब यूनाइटेड उसको भूल जा रहा हूँ उसका नाम, वो 1947 के बाद वो उत्तर प्रदेश में नहीं था, वो विंध्य प्रदेश में था। विंध्य प्रदेश में जब था तो वहां पे क्वेतुर समुदाय को और वहां पे एसटी का दर्जा था, बट जब 1956 में जब उत्तर प्रदेश राज्य बनता है तो वहां पे अचानक से जो क्वेतुर समाज है, जो गोंड समाज है, उसको वहां पे शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दिया जाता है। तो इसके कारण उनको और ये दर्जा उनको 2002 तक रहता है। तो आप सोचिए कि एक एक पूरे दो जिलों के क्षेत्र में लोग इस तरीके से अपना 60 साल तक उनको मतलब अपनी पहचान से उनको अलग रखा जाता है। भाषा तो दूर की बात है। तो आप देखेंगे कि जो गोंडवाना राज्य की अगर हम बात करते हैं, तो वो इस रूप से उसको हमको विजन करना है या उसको इस तरीके से देखना है कि जो हमारे साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जो कि हम आज कोया, गोंड और प्रधान और बैगा और माड़िया, मुरिया और अन्य अन्य नामों से अन्य अन्य क्षेत्रों में अन्य अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, तो हम उसको एक एक सिंगल एक एक अकेले पहचान के रूप में हम उसको कैसे सोच पाए। और इसके पीछे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो कोया पुनेम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो कोया पुनेम ने पिछले कुछ दशकों में या गोंडवाना महासभा के समय से जो भी काम किया है, उसके साथ साथ जो जो गोंडी भाषा को लेकर जो जैसे कि सुनेर सिंह ताराम, उषा किरण आतराम जैसे जो साहित्यकार हैं जिन्होंने गोंडवाना दर्शन पत्रिका शुरू की थी, उस तरीके से अभी गोंडी साहित्य को पनपने की जरूरत है। और साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें रोल है, क्योंकि अगर
अगर भाषा विकसित होगी तो फिर भाषा के विकसित होने से हमें एक एक सिंगल आइडेंटिटी का भाषा से हम उसको बना सकते हैं, एक सिंगल आइडेंटिटी की ओर हम जा सकते हैं। और मेरे मेरा मानना है कि कोया पुनेम और साहित्य, गोंडी इतिहास के बारे में, कोयतुर इतिहास के बारे में अलग अलग क्षेत्रों से इसमें और ज्यादा शोध और लिखने की जरूरत है। तो मैं बस इतना ही बोलकर आज अपना चर्चा बंद करना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, मैं खुशी से जवाब देना चाहूंगा।